نحمده ونسلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأبدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما امين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله आज سيرت الصحابه में हम हजरत زيد الخير رضي الله تعالى عنه के मुताबिक पढ़ेंगे जिनका असल जो जमाने जाहिलियत में इनका नाम हुआ करता था زيد الخيل और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम तब्दील करके जैदुल खैर कर दिया था तो इनशाला शुरू करते हैं सीरत जैदुल खैर रदी अल्लाह तहु लोग मादनियात की तरह होते हैं जो शख्स जाहिलियत में बेहतर होता है वो इस्लाम में भी बेहतर होता है यानी मादनियात यानी जैसे मिनरल्स होते हैं तो अगर आप किसी और चीज़ में किसी और चीज में मिला भी दें उसे तो क्या होगा वो मिनरल अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करता है मेंटेन रखता है तो यहाँ पर फरमाया गया कि जो जमाने जाहिलियत में बेहतर था अपने अखलाक में बेहतर था वो इस्लाम में आकर भी बेहतर ही रहा जिस तरह हम जानते हैं हजरत उमर रदील्ला तला को कि वो जिस तरह से आ, अपने दीन के मुतालिक कितने ज्यादा लॉयल थे जमाने जाहिलियत में भी और फिर दीन में दीन इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम के मुतालिक कितने वफादार थे तो कहा गया कि मामला जाहिलियत का हो या इस्लाम का हो वो उसके अखलाक वैसे ही होते हैं जलीलुल कदर सहाबी और तहु की सीरत के दोनों रुख देखिए पहला रुख तो दौरे जाहिलियत का है और दूसरा रुख इस्लाम का है यानी कि इनको दौरे जाहिलियत भी मिली है और इस्लाम भी मिला है क्योंकि इन्होंने इस्लाम जो कबूल किया है वो मदीना में कबूल किया है ठीक है दौरे जाहिलियत में उन्हें लोग जैदुल खैल के नाम से पुकारते थे खैल का मतलब होता है अवलरी और स्टीड यानी कि एक आ, बहादुर जैद बहादुर जैद ठीक है तो ये इस तरीके से उनका नाम था लेकिन आप वसल्लम ने उसको तब्दील कर दिया लेकिन इस्लाम लाने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु ने इनका नाम जैदुल खैर कर दिया खैल खैल से खैर कर दिया खैर मतलब द जैद ऑफ गुडनेस ठीक है द जैद ऑफ शिवलरी से कर दिया जैद ऑफ गुडनेस तजवीज किया तस्वीर का पहला रुख तारीखी किताबों में यूं बयान किया गया है मौरख शे मौरख शैबानी बन आमिर के एक मम्मर शख्स के हवाले से बयान करते हैं कि एक साल कहत पड़ा जिससे खेती बाड़ी तबाह हो गई अब देखें उनके मुतालिक उनका दौरे जाहिलियत का एक वाक्य बयान किया जा रहा है क्योंकि अभी ये कहा है ना कि जो जाहलीत के जमाने में जो अपना अखलाक रखता है वो इस्लाम में भी उसने अपने अखलाक को क्या, -क्या किया मेनटेन किया तो जैदुल खैर के जाहिलियत के जमाने में उनका क्या अखलाक था वो यहाँ पर एक वाक्य के जरिए से बताया जा रहा है और वो वाकया क्या है कि एक बहुत उम्र वाला शख्स था ठीक है एक मम्मर शख्स के हवाले से बयान करते हैं कि एक साल कहत पड़ गया अब वो कोई एक शख्स था जो कहत के जमाने में आ, मतलब उस उस साल उसके वहां पर कहत पड़ गया खेती बाड़ी तबाह हो गई कहत मतलब ड्रॉट ठीक है सूखा पड़ गया तो खेती बाड़ी नहीं होगी तो जिसकी वजह से लोग भूख से मरने लगे तो उस उस शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि हम में से एक फर्द अपने अहले खाना को लेकर हीरा शख्स की तरफ रवाना हो गया घर वालों को वहां छोड़कर कहने लगा मेरे वापस आने तक मेरा इंतजार करना अब ये उस शख्स के बारे में बताया ये जैदुल खैर के बारे में नहीं बताया जा रहा है ये उस शख्स वो शख्स अपने बारे में बता रहा है कि मतलब कहत का जमाना था और हम हमारे पास खाने को कुछ नहीं था तो वो शख्स क्या हुआ उसने कहा कि मैं जाता हूँ रिस्क की तलाश में बाहर निकलता हूँ और मेरे घर मतलब वहां से लौटने तक तुमने कहीं पर भी नहीं जाना यहीं या तो मैं मर जाऊं या फिर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ले आऊं जब तक कि तुम्हें यहाँ से हिलना नहीं है यहीं पर रुके रहो ठीक है हमें से एक फर्द अपने अहले खाना को लेकर हीरा शहर के तरफ रवाना हो गया घर वालों को वहां छोड़कर कहने लगा यानी हीरा शहर में छोड़ा उसने अपने घर वालों को कि मेरे वापस आने तक मेरा इंतजार करना फिर उसने ये कसम खाई या तो मैं उनके लिए माल कमा कर लाऊंगा वरना मर जाऊंगा यानी कुछ ग्रुप के लोग हैं उसमें से एक शख्स ने क्या किया अपने वालदे अपने घर वालों को अहले खाना को अपने फैमिली मेंबर्स को लिया और हीरा शहर में छोड़ दिया और उनसे कहा कि तुम यहीं रुके रहो मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ या फिर क्या करता हूँ Uh, मतलब या मैं मर जाऊंगा या तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगा फिर कुछ ज्यादा लिया और दिन भर चलता रहा यानी कुछ खाने का पीने का सामान कुछ uh, सा, सफर का सामान लिया ठीक है और फिर दिन भर चलता रहा रात आई तो उसने एक खेमा देखा इसके करीब घोड़ा बंधा हुआ था उसने दलील में कहा दलील एक्चुअली दिल होना चाहिए दलील लिखा हुआ है उसने दिल में सोचा कि ये पहला माले गनीमत है अब देखें वो चलते चलते वो शख्स जो था वो कहीं रस्ते में निकला कि मैं खाना तलाश कर लू अपने घर वालों के लिए तो उसको रस्ते में क्या दिखाई दिया एक खेमा दिखाई दिया और खेमे के करीब ही एक घोड़ा बना हुआ था और वहां पे कोई भी नहीं था तो उसने क्या सोचा जब कोई है नहीं इसका मालिक तो ये क्या है कि ये मेरे लिए मालिक गनीमत है तो ये मैं इसको ले लूंगा इसकी रस्सी खोल दी उस पर सवार होने लगा तो फिजा में से इस, उसने एक आवाज सुनी यानी हवाओं से खुद ब खुद एक आवाज आई जिसमें ये हुक्म था उसे कह उसे रहने दो और अपनी जान बचाओ यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से आवाज आई कि तुम जो है इस घोड़े को मत खोलो अपनी जान बचाओ यहाँ से चले जाओ तो वो उसे छोड़कर आगे चल दिया सात दिन सफर करने के बाद एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहाँ ऊंटों का एक बाड़ा था और एक तरफ चमड़े का एक बहुत बड़ा खैमा नसब था यानी ऊंटों का बाड़ा ऊँटो जहां ऊंट बांधे जाते हैं वहां पर बहुत सारे ऊंट बंधे हुए थे और पास ही में एक खेमा था यानी सात दिन का सफर तय होने के बाद उसको वो ऊंटों का बाड़ा और एक खेमा दिखाई दिया जिससे खुशहाली की झलक नुमाया नजर आती थी इस यानी कि वहां पर खाने पीने का सामान मौजूद था ऊंट भी फरबा थे मोटे थे ताजे थे वो दूध भी दे रहे थे तो एक इंसान के पास खाना पीना होता है तो वो खुश होता है तो ऐसा लग रहा था कि वो माहौल बहुत खुशहाली का माहौल है इस शख्स ने अपने दिल में कहा इस बाड़े में जरूर ऊंट होंगे और जाहिर है इस खेमे में कुछ लोग भी होंगे यानी जब ऊंट रखे हुए हैं तो लोग भी उसको संभालने वाले होंगे खेमे में लोग हैं और बाड़े में ऊंट है फिर इसने खेमे में बड़ी ही एहतियात से झांका ये उसी शख्स के बारे में बात हो रही है जो अपने घर वालों के लिए खाना तलाश करने के लिए निकला है तो उसने खेमे में झांक कर देखा सूरज इस कर, इस इस वक्त गुरूब हो रहा था यानी मगरिब का वक्त हो चुका था क्या देखता है कि खेमे के वस्त में यानी दरम्यान में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है बिल्कुल मिडिल में वो खेमे के एक बहुत बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था तो ये दबे पाओ इसके पीछे जाकर बैठ गया किसके पीछे उस बूढ़े शख्स के पीछे जाकर बैठ गया और पीछे की तरफ से दरवाजा था वो वहीं से आके आ, पीछे उस बूढ़े के बैठ गया बूढ़े को इसकी आमद का कुछ भी पता ना चला थोड़ी ही देर में थोड़ी ही देर बाद सूरज गुरु हो गया तो एक भारी भरकम शहसवार नमूदार हुआ अब और अब हम जानते हैं कि आज की तरह वक्त तो नहीं था कि सारे लैम्प जले हुए लाइट जली हुई है तो एकदम से मतलब अंदाजा हो जाए कि कोई आ रहा है तो वो बिल्कुल अंधेरे में आए और पीछे उनके बैठ गए उस बूढ़े शख्स के पीछे बैठ गया वो शख्स और फिर क्या हुआ कि थोड़ी ही देर बाद सूरज बुरी तरह से गुरुब हो गया तो एक भारी भरकम शहसवार नमूदार हुआ यानी सामने से शहसवार यानी घुड़सवार घोड़ा चलाने वाला जो था राइडर वो सामने से आया उस जैसा कद शख्स इसने कभी ना देखा था वो एक उम्दा घोड़े पर सवार था दाएं बाएं दो गुलाम लगाम थामे चल रहे थे यानी घोड़े के दाएं बाएं लगाम वो जो उसकी जो होती है रस्सी वो पकड़कर जो दो लोग चल रहे थे और बीच में वो शह सवार जो घोड़े पर बैठा हुआ था तकरीबन सौ और दाएं बाएं दो गुलाम लगाम थामे चल रहे थे और इनके जुलू में तकरीबन सौ ऊटनियां भी थी यानी के और साथ साथ सौ ऊटनियां भी थी वो घोड़े पे था और सौ ऊटनियां साथ में थी इनके आगे एक देव हैकल ऊंट था यानी बहुत बड़ा एक ऊंट उसके साथ साथ था ऊटनियों के सौ ऊटनिया और एक ऊंट था ऊंट जब बैठा तो सब ऊटनियां भी उसके इर्द गिर्द आसपास बैठ गईं। शहसवार ने एक मोटी ताजी ऊटनी की तरफ इशारा करते हुए गुलाम से कहा इसका दूध लो यानी जो गुलाम खड़े हुए थे उनसे कहा कि ये मोटी ताजी जो ऊटनी है उसका दूध निकालो इसने फौरन हुक्म की तामील करते हुए दूध दूहा यहां तक के बर्तन भर गया यह गुलाम क्या कर रहा है वो दूध निकालने के लिए चला गया ऊटनी से इसने दो बर्तन रख दिया उसने वो बर्तन रख दिया वो शख्स कहता है कि मैं दबे पाऊं आगे बढ़ा बर्तन बर्तन पकड़ा और तमाम दूध पी गया यानी देखे अंधेरा था खेमे में तो वो किसको पेश कर रहे थे वो दूध वो जो बीच बीच में दरम्यान में बूढ़ा शख्स बैठा था उसके लिए वो दूध लाया गया तो इन्होंने क्या किया पीछे से उस शख्स ने हाथ बढ़ा के वो जो बूढ़े शख्स के पास पहुंचने से पहले ही खुद हाथ बढ़ा के वो दूध पी के आ, uh, मतलब वहां उनके आगे रख दिया गुलाम वापस आया और बर्तन उठाकर ले गया और अर्ज की मेरे आका शेख ने तो तमाम दूध पी लिया है ये सुनकर शहसवार बहुत खुश हुआ और हुक्म दिया अब इस दूसरी ऊटनी का दूध दो हो दो कर शेख के खिदमत में एक और दूध का प्याला पेश करो यानी वो जो बूढ़ा शख्स है उसके लिए वो शहसवार क्या कह रहा है हुक्म देता जा रहा है कि तुम इस उठनी का दूध लेके जाओ वो बूढ़े बूढ़े के पास फिर दूसरी उठनी का दूध लेके जाओ तो पहले उठनी का दूध तो किसने पी लिया वो जो पीछे छुपकर बैठा शख्स उसने पी लिया अब दूसरी उठनी का हुक्म दिया कि दूसरी उठनी का भी ऊट दूध निकाल के लेकर जाओ उस बूढ़े शख्स के पास शेख का मतलब ये असल में क्या होता है थोड़ा बूढ़ा जो थोड़ा उम्र वाला उम्र रसीदा शख्स हो और अर्ज की कि मेरे आका शेख ने तो तमाम दूध पी लिया ये सुनकर शह सवार जो घुड़सवार था वो बहुत खुश हुआ और हुक्म दिया अब इस दूसरी ऊटनी का दूध दूर दूह कर शेख की खिदमत में एक और दूध का प्याला पेश करो गुलाम ने फिर हुक्म की तामील की शेख ने एक घूट पिया और छोड़ दिया यानी अब क्या हुआ कि एक घूट पीकर वो बाकी प्याला छोड़ दिया वो शख्स कहता है कि मैंने दूध का प्याला पकड़ा और इसमें से निस्फ यानी आधा दूध पी लिया अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मैंने इस दफा भी तमाम दूध पी लिया तो शहसवार के दिल में शक पैदा हो जाएगा कि के इतना बूढ़ा शख्स है वो कैसे इतनी ज्यादा खुराक उसकी बढ़ गई अचानक से तो इन्होंने क्या किया पहला प्याला तो पूरा पी लिया वो जो पीछे छुप के खड़ा हुआ है शख्स और फिर दूसरी बार जब वो गुलाम लेकर आया तो उसने रखा होगा तो इन्होंने उठा के क्या किया पीछे वाले ने आधा दूध पिया और आधा छोड़ दिया ताकि वो जो घुड़सवार है उसके दिल में शक ना पैदा हो जाए फिर शहसवार ने अपने दूसरे गुलाम को हुक्म दिया कि एक बकरी जिबा करे तो उसने बकरी जिबा कर दी शहसवार ने बजाते खुद गोश्त भूना और शेख को अपने हाथ से खिलाया जब वो खूब सैर हो गया तो फिर खुद और इसके दोनों गुलामों ने खाया यानी वो जो बूढ़ा शख्स बैठा था पहले वो घुड़सवार ने पहले उस शख्स को उस बूढ़े को दूध पिलाया उसके बाद उसको भुने हुए बकरी का गोश्त खिलाया और फिर उसके बाद उस खुद उसने खुद भी खाया और अपने गुलामों को भी खिलाया थोड़ी ही देर बाद तमाम लेट गए यानी वो सारे लोग आराम करने के लिए लेट गए और गहरी नींद सो गए इस मौके को गनीमत समझते हुए मैं ऊंट के पास आया इसकी रस्सी खोली इस पर सवार होकर एड़ी लगाई तो ऊंट चल पड़ा और उसके साथ ही तमाम ऊटनिया भी चल पड़ी मैं रात भर चलता रहा जब तक सुबह हुई तो मैंने हर तरफ नजर दौड़ाई मुझे कोई ऐसा शख्स दिखाई ना दिया जो मेरा पीछा कर रहा हो यानी अब वो, वो उसका तो इरादा ही यही था वो जो आया था शख्स कि मैं अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ लेकर जाऊं तो उसने देखा कि ये सब लोग सो गए हैं पूरा और सौ ऊटनियां हैं और एक ऊंट है और वो भी कैसे हैं दूध देने वाले हैं तो उस वो तो खुश हो गया कि इसको सारा कुछ सामान मिल गया तो जैसे ये लोग सो गए उसने ऊंट के साथ साथ जब वो देख रहा था ना कि ऊंट बैठता है तो ऊटनिया भी बैठ जाती ऊंट खड़ा होता है तो ऊटनिया भी खड़ी हो जाती तो उसने क्या किया ऊंट को ही चलाना शुरू कर दिया तो वो ऊंट चला तो सारी ऊटनिया भी उसके पीछे पीछे उसके साथ चल गई चल चलने लगी और वो बहुत दूर निकल गया दूर निकलने के बाद क्या किया उसने देखा चेक किया कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा कोई ताकुब तो नहीं कर रहा तो पीछे कोई भी पीछा करने वाला नहीं था मैंने रफ्तार और तेज कर दी यानी स्पीड अपनी बढ़ा दी यहाँ तक के काफी दिन चढ़ आया यानी अब सुबह का वक्त होने लगा फिर मैंने एक तरफ देखा तो दूर से एक बहुत बड़ी बला मेरे तरफ बढ़ रही थी बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी वो मुसलसल मेरे करीब होती जा रही थी यानी कोई बहुत लहीम शहीम कोई बड़ा शख्स था जो सामने से आ रहा था जब बिल्कुल करीब पहुंची तो पता चला कि ये तो वही शहसवार है जो अपने ऊँटो की तलाश में मेरा ताकुब कर रहा है यानी वो जो शख्स थे जिसके ऊंट थे शहसवार घुड़सवार वो सामने से आ गए और इनको पता चला कि ये तो वही है जो अपने ऊंटों का पीछा करते हुए से से सामने आ गया मेरे। मैंने को एक तरफ बांध दिया और अपनी तरकश से तीर निकाल कर कमान में रखा और ऊंट की ओट में निशाना बांध कर खड़ा हो गया और वो शहसवार कुछ फासले पर खड़ा हो गया अब चूंकि ये ऊंट चुरा कर लेकर आया था तो उसने क्या किया के अब, अब उसको देने का भी कोई इरादा नहीं है तो उसने क्या किया तीर निकाल लिया उस शख्स ने तीर निकाल लिया और वो जो वो जो सवार थे सामने खड़े हुए थे इसने कहा मुझे उसने मुझसे कहा ऊंट की रस्सी खोल दो अब वो अपने ऊँटों मु, का मुतालबा कर रहा है कि मुझे मेरे ऊँट वापस करो ऊंट की रस्सी को खोल दो मैंने कहा ये नहीं हो सकता यानी उसकी नियत नहीं है देने की तो उसने मना कर दिया मैं नहीं दूंगा मैं हीरा शहर में बेबसी के आलम में भूखी प्यासी औरतें और बच्चे छोड़कर आया हूं और मैंने कसम खाई है कि मैं अपने घर वालों के पास या तो कुछ माल लेकर जाऊंगा वरना मर जाऊंगा यानी वो ये कहने लगा कि मैं इसलिए तुमको ऊँट नहीं दूंगा क्योंकि मुझे अपने बीवी बच्चों को क्या करना है इसका मतलब अः कहत के हाल में छोड़ के आया हूँ तो उनके पास लेकर जाना है तो मैं कसम खा के आया हूँ या तो कुछ सामान लाऊंगा या मर मर कर ही वापस आऊंगा उसने कहा अरे कमबख्त तुम अपने आप को अब मुर्दा ही समझो मेरा हुक्म है शराफत से ऊंट की रस्सी खोल दो मैंने कहा मैं तो हरगिज तुझे ऊंट नहीं दूंगा वो मतलब बार बार मुतालबा करें कि ऊंट की रस्सी खोल दो ये बोलता है कि मैं नहीं दूंगा इसने कहा तुम बड़े मगरूर हो मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं फिर कहा मुझे इस ऊंट की लगाम बताओ किधर है इसमें तीन गिरा थी फिर इसने मुझे कहा बताओ किस गिरा पे निशाना लगाऊं अब क्या हुआ कि वो जो शहसवार थे उन्होंने कहा कि ना तुमने ऊंट को बांधा है उसके अंदर तीन तीन गांठ लगी हुई थी तीन जो नॉट थी उसने कहा जो शहसवार है उन्होंने कहा कि अब बताओ कि मैं कौन सी गांठ के ऊपर कौन सी गिरा के ऊपर निशाना तुमको लगा के बताऊ मैंने इशारा किया दरमियानी गिरा पर यानी वो जो शख्स था जो चोरी करके गया था वो क्या कहता है कि वो मिडल वाली जो नॉट है दरमियानी जो गांठ है उसके ऊपर निशाना लगा के बताओ उसने तीर फेंका तो वो दरमियानी ग्राह में आकर इस तरह पे हो गया जैसा कि इसे अपनी हाथ से वहां नसब किया हो यानी इतना जबरदस्त निशाना लगाया कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने जाके पकड़ कर ही उसके अंदर रख दिया हो इतने वो अच्छे निशानेबाज से वो शह सवार फिर इसने दूसरी और तीसरी गिरा को निशाना लगाया जब मैंने तीर अंदाजी की ये महारत देखी तो मैं खौफ जदा हो गया अब वो जो चोरी करके गया वो डरने लगा कि ये तो इतना अच्छा निशाने बाज तो मुझे भी यूं ही निशाना मार देगा अपना तीर मैंने तरकश में रख दिया वो जो तीर निकाल के खड़ा था उसने क्या किया अपने तरकश में छुप रख दिया और बा अदब अंदाज में खड़ा हो गया शहसवार मेरे पास आया मेरे तलवार और तीरों से भरी तरकश मुझसे ली और कहा मेरे पीछे सवार हो जाओ मैं इसके पीछे सवार हो गया इसने मुझसे दरियाफ किया मैं तेरे साथ भला क्या सलूक करूंगा मैंने अर्ज की किसी अच्छे सुलूक की तो मुझे तवक्का नहीं है यानी अब वो जो शख्स थे वो जो शह सवार थे उन्होंने क्या कहा कि तुम मेरे पीछे बैठ जाओ और अपने उट, अपने घोड़े पे बिठाकर उनसे पूछते हैं उस चोर से पूछते हैं कि भाई तु, तु, तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करने वाला हूँ उसने कहा कि अभी ज, जैसे मैंने तुम्हारी चोरी की है तो डेफिनेटली तुम मेरे साथ कोई अच्छा सुलूक तो करोगे नहीं तो मुझे किसी अच्छे सुलूक की तवक्को नहीं है उसने कहा क्यों मैंने अर्ज की चूंकि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है और अब अल्लाह ने तुम्हें कामयाब कर दिया है और फिर इस वक्त मैं तुम्हारे कब्जे में भी हूं यानी हर तरीके से तो तुम ही जीते हुए हो कि मैं तुम्हारे पीछे बैठा हुआ हूँ तुमको शह सवारी आती है तुमको तीर अंदाजी आती है मैं तुम्हारे कब्जे में हूँ और मैंने तुम्हारे चोरी भी किए हूँ तो तुम मेरे साथ कैसे अच्छा सलूक कर सकते हो तो ये ये तो मैं गुमान ही नहीं कर सकता कि इतना सब कुछ परेशान करने के बाद तुम मेरे साथ अच्छा सुलूक करोगे इसने कहा क्या तुम्हारा ख्याल है कि मैं तेरे साथ बुरा सलूक करूंगा जबकि तूने मेरे बाप मोहल्हल मोहल्हिल के साथ बैठ खाना खाया है और तुम एक रात में इसके मशरूब के साथी भी रहे हो यानी वो जो बूढ़ा शख्स जो बैठा था जिसके आगे दूध दूध रखा जा रहा था तो वो क्या था वो इनके बाप थे वालिद थे जिनको वो अपना मतलब वो खिदमत में दूध और बकरी जिबा करके पेश कर रहे थे तो ये क्या बोले यानी उन्होंने कुछ जाहिर नहीं होने दिया कि ये सब कुछ देख रहे हैं वो सब कुछ देख रहे थे और उन्होंने अभी यहाँ पर जाहिर किया कि मैं कैसे तेरे तो साथ बुरा सलूक कर सकता हूँ जबकि तू मेरे बाप का क्या रहा साथी रहा उनके खाने में उनका साथी रहा तो मैं तेरे साथ कैसे बुरा बुरा सलूक कर सकता हूँ जब मैंने इसके मुंह से महल हिल का नाम सुना तो मैंने दरियाफ किया क्या तुम जैदुल खैल हो क्या तुम जैदुल खैल हो क्योंकि लो, वो लोगों में मशहूर थे मशहूर घुड़सवार थे और बहुत ब्रेव बहुत बहादुर हुआ करते थे तो ज जैसे ही वो बाप के नाम को सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये क्या है जैदुल खैल है उसने कहा हाँ मैंने अर्ज की तो फिर मुझ पर मेहरबानी करें इसने कहा घबराओ नहीं तुझे कुछ भी नहीं कहा जाएगा वो मुझे अपने डेरे पर ले गया वहां जाकर इसने मुझसे कहा खुदा के कसम अगर ये ऊंट मेरे होते तो सभी तुझे दे देता लेकिन ये मेरी एक बहन की मिलकियत है तुम मेरे पास चंद दिन रहो मैं एक डाका मारने वाला हूँ इसमें जो कुछ हाथ लगेगा वो तुम्हें दे दूंगा तीन दिन बाद उसने कबीला बनू नमीर के हाथ डाका डाला तकरीबन सौ ऊटनियां इसके हाथ आई वो सब मुझे दे दी और मेरे साथ चंद आदमी भी भेज दिए ताकि वो मेरी हिफाजत करें यहाँ तक कि मैं हीरा शहर पहुंच गया यानी वो शख्स बता रहा है इनका इनका मामला कैसा था कि उन्होंने जब सुना कि इनके बीवी बच्चे जो है कहत साली में मुब्तला हैं और उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है तो उनके लिए क्या किया एक डाका डाला बनू नमीर में एक कबीले का, का नाम है ट्राइब का नाम है बनून अमीर वहां पर डाकर डाला और वहां से जितनी भी ऊँटी कब्जे में आई वो सारी की सारी क्या कर दी इसको दे दी इस आदमी को दे दी और उसके साथ कुछ गुलाम भी दे दिए ताकि वो क्या करें इसकी हिफाजत करते करते इसको हीरा शहर पहुंचा दें यानी कि वो कैसे थे लोगों पर सखावत करने वाले थे ठीक है ये कब का वाक्य है जैदुल खैल का दौरे जाहिलियत का वाक्य है जब वो इस्लाम कबूल उन्होंने नहीं किया था ये जैदुल खैल के जमाने जाहिलियत में सीरत का एक पहलू था लेकिन दौरे इस्लाम में इनसे तारीखी किताबों में कुछ इस अंदाज में तहरीर की गई हैं जबैल रदी को नबी सक इम हुआ तो इनके दिल में आप सल्लाम की दावत मालूम करने का शौक पैदा हुआ सवारी तैयार की और अपनी कौम के सरदारों को मदीना मनवरा जाने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने की दावत दी यानी चूंकि देखे सब जगह बात फैल चुकी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहसत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ चुके थे हिजरत के बाद की बात है तो इन्होंने क्या कहा जब इनको खबर हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तो इनको शौक पैदा हुआ कि आखिर इस्लाम की दावत है क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है क्या कम से कम जाके सुने तो सही तो उन्होंने क्या किया अपने आसपास के सारे कबीलों के सरदारों से कहा कि मेरे हमारे साथ क्या करो मदीना चलो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को सुनते हैं कि क्या उनका क्या मुतालबा है वो क्या चाहते हैं इनके साथ कबीले बनू तई में से एक बहुत बड़ा वफद भी सफर के लिए तैयार हुआ ये खुद भी बनू तई के ही है ठीक है तो एक बहुत बड़ा वफद एक बहुत बड़ा मतलब एक ग्रुप तैयार हो गया इस वफद में जर बिन सदूस मालिक बिन जुबैर आमिर बिन जोब जोयन और जुवैन सॉरी आमिर बिन जुवैन और दीगर सरदार शामिल थे तो ये कुछ तीन बड़े बड़े सरदार थे और बहुत सारे सरदारों को लेकर वो कहाँ गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए जब ये मदीना पहुंचे तो नबी सल मस्जिद नबी का रुख किया अपनी सवारियां मस्जिद के दरवाजे पर बिठा दी देखा कि रसूले रसूल करीम वसल्लम मिंबर पर खड़े लोगों से खिताब फरमा रहे हैं इनके दिलों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का बहुत रौब तारी हो गया और मुसलमानों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलबी ताल्लु और अदबोराम देख कर बहुत हैरान हुए जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन पर नजर पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मुखातिब होकर फरमाया मैं तुम्हारे लिए इससे इस उज्जा से, से बेहतर हूँ जिसकी तुम पूजा करते हो अब क्या हुआ कि ये जब थे मस्जिद नबी की तरफ पहुंचे और अपनी सवारियां उन सरदारों ने क्या कर दी मस्जिद नब्बी के बाहर बिठा दी और जब अंदर एंटर हुए हैं तो क्या देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो स्पीच है उनका जो खुतबा है वो देख वो सुनकर क्या हो रहे हैं लोगों के दिल रौ लोगों के दिलों पर रौब तारी हो रहा है और लोग लोगों का मामला आप वसल्लम के साथ इतना आला था यानी सहाबा अक्राम का जो मामला देखते थे आप अलैहि वसल्लम के साथ जो था कि उन्होंने कभी ऐसा सरदार नहीं देखा था कि जि, जिसकी इतनी इज्जत की जाती हो तो ये सब देख के क्या हो गया इनका भी दिल अट्रैक्ट हुआ इनके भी दिल पे थोड़ा सा तारी हुआ किसके जैदुल खैल के जैदुल्खल और इनके साथियों के दिलों पर रसूल करीम वसल्लम की गुफ्त गुफ्तु का दो तरह का असर मुरतब हुआ बाज ने मुतासिर होकर हक को कबूल कर लिया और बाज नख तो तकबर का शिकार होकर मुंह फेर कर वापस चल दिए इस तरह एक ग्रोह जन्नती बन गया और दूसरा जहन्नमी यानी के उस जो ग्रुप में जितने सरदार लोग आए थे जैदुल्खैल के साथ कुछ सरदारों ने इस्लाम को कबूल कर लिया यानी इतनी ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात दिल पर असर अंदाज हुई और कुछ लोगों ने मुतकबराना अंदाज में, में जब आप सल्लाह ने कहा ना कि मैं उज्जा से बेहतर हूँ तुम्हारे जिसकी तुम उज्जा उज्जा क्या है उनका एक बुध का नाम है जिसकी वो आइडल वर्शिपर थे ना वो लोग तो जो तुम्हारा उज्जा बुत है उससे मैं बेहतर हूँ कई दर्जा बेहतर हूँ जिसकी तुम पूजा करते हो तो इससे कुछ लोगों को अट्रैक्शन हुआ और कुछ लोग क्या हो गए और मुतकब्बिर हो गए तो कुछ लोग इस्लाम को कबूल कर गए और किसी ने इस्लाम को नहीं कबूल किया जर बिन रसूल करीम सल्लल्लाहु वसल्लम का खुशगवार और उम्दा माकफ ना समझ सका जिसे मोमिन दिल और मद भरी आंखें अपने अंदर जज्ब कर लेती हैं लेकिन हसद इसके दिल में सराहियत कर गया और खौफ इसके दिल में समा गया फिर अपने साथियों से कहने लगा आज मैं एक ऐसे शख्स को देख रहा हूं जो तमाम अहले अरब की गर्दनों का मालिक बन जाएगा अल्लाह की कसम मैं उसे अपनी गर्दन का मालिक नहीं बनने दूंगा फिर वो इलाका शाम की तरफ चल पड़ा वहां जाकर इसने अपना सर मुंडवा लिया और नसरानियत कबूल कर ली लेकिन हजरत जैद रजी अला तू और अप, और चंद दूसरे साथियों को कुछ निराली ही शान नसीब हो गई यानी वो जो जैद बिन सदूस था उसने क्या किया एक हसद और घमंड इतना ज्यादा हो गया कि भाई हम अपना अगर दीन भी छोड़ते हैं तो हम इस्लाम को तो कबूल कतई नहीं करेंगे हम क्या कर लेंगे भले ही नसरानियत क्रिश्चियन हो जाएंगे लेकिन इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे तो उसने यही किया जाके शाम शहर में जाके अपना सर क्या कर दिया मुंडवा कर ईसाई बन गया क्रिश्चियन बन गया और हजरत जैद जो थे उनके दिल पर आप वसल्लम की बात जो थी असर कर गई जब रसूल करीम अलैहि वसल्लम अपने खुतबे से फारिग हुए तो जनाब जैद मुसलमानों के मजमे में खड़े हुए आप बड़े खूबसूरत और दराज कद थे यानी बहुत ऊंचे हाइटेड थे बहुत टॉल थे इनका कद इतना लंबा था कि जब घोड़े पे होते तो पांव जमीन को छूते थे मजमे में खड़े होकर बा आवाज बुलंद कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इकरार करता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन अल्लाह के रसूल हैं यानी उन्होंने क्या किया पूरे मजमे में खड़े होकर और वो लंबे कद के तो थे ही तो सारे लोगों को नजर आ रहे थे उन्होंने जोर से शहादा दे दी कलमा पढ़ लिया रसूल यकीन आप अल्लाह के रसूल हैं अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं इनकी बात सुनकर रसूल करीम सल वसलम मुतवजा हुए और फरमाया आप कौन है अर्ज की मैं जैदुल खैल बिन मोहल्हिल हूँ रसूल करीम वसल्लम ने फरमाया आज से तुम हो, नहीं, अल्लाह का शुक्र है जो तुम्हें मैदानी और पहाड़ी इलाकों से सही सालिम गुजार कर यहाँ ले आया और तुम्हारे दिल में इस्लाम के लिए रिक्कत पैदा कर दी यानी आप सल्ला ने इस मौके पर क्या किया उनका नाम तब्दील कर दिया जैदुलखैल से जैदुल खैर कर दिया और फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें इतने पहाड़ी और मैदानी इलाकों का सारा सफर तय करवा कर इस्लाम जैसी दौलत तुम तुमको अता कर दी फिर उन्हें रसूल करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर ले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत उमर बिन खत्ताब रजियल तहु और दीगर सहाबा अकराम रजियला की एक जमात भी थी जब घर पहुंचे तो रसूल अलैहि वसल्लम ने टेक लगाने के लिए तकिया दिया लेकिन उन्होंने रसूल करीम वसल्लम की मौजूदगी में टेक लगाना सुए अदब समझते हुए तकिया उन्होंने कबीले के सरदार हैं तो आप वसल्लम ने मेहमान नवाजी में क्या किया कि पहले तो अपने घर ले गए फिर उनको तकिया पेश किया कि आप टेक लगा कर बैठ जाओ लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ये अदब के खिलाफ है कि नबी वसल्लम की मौजूदगी में वो तो तकिया ना ले और मैं तकिया लेकर बैठ जाऊं तो उन्होंने रिटर्न कर दिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल शफकत से फिर उन्हें तकिया दिया लेकिन आपको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में टेक लगाने की जुर्रत ना हुई यानी दोबारा पेश किया तो दोबारा उन्होंने रिटर्न कर दिया जब सब लोग बैठ गए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्शाद फरमाया ए जैद तेरे अलावा आज तक मेरे सामने जिस शख्स के भी औसाफ बयान किए गए जब वो सामने आया तो वो मजकूरा औसाफ से कम नजर आया फिर इर्शाद फरमा यानी कि ऐसा होता है ना कि हम किसी के बारे में कुछ तारीफे कर रहे होते हैं लेकिन जब उससे मुलाकात होती है तो वो वैसा होता ही नहीं है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जैदुल खैर के अलावा हर वो शख्स जिसके बारे में मेरे सामने तारीफे उसके वफ्फ बयान किए गए तो वो उसके वसफ़ उसके अंदर कम निकले लेकिन तुम वैसे ही निकले जैसे तुम्हें सुना था जैसे तुम्हारे बारे में सुना था तुम वैसे ही मुझे मिले हो फिर फरमाया जैद तुम में दो ऐसी खसलतें पाई जाती हैं जो अल्लाह ताला और इसके रसूल को बहुत पसंद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी तुम तुम्हारे अंदर दो ऐसी आदतें हैं दो ऐसी क्वालिटीज हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को बहुत ज्यादा पसंद है वो क्या है अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दो खसलतें कौन सी हैं फरमाया खुददारी और बुर्दबारी खुदारी यानी के आ, वो इंडिपेंडेंस है यानी वो कि, आ, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है खुददार है और दूसरा बुर्दबारी बुर्दबारी यानी पेशेंस जो था उनके अंदर बहुत ज्यादा था अर्ज की अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे ऐसी खसलतें अता की जो अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब है फिर नबी अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जा होकर अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तीन सौ शह सवार मुजाहिदीन दे दें इनकी देखभाल की तमाम जिम्मेदारी मेरी होगी मैं इनके हमरा हमरा बिलाद रूम पर हमला करूंगा और अल्लाह के फजल से उन्हें पसपा करके दम लूंगा अब ये क्या कहते हैं ये बहुत अच्छे क्या थे घुड़सवार थे तो इन्होंने क्या कहा कि मुझे आप तीन ऐसे मुजाहिद जो अल्लाह के रामे लड़ने वाले हों और वो क्या घुड़सवार भी हों तो तीन सौ घुड़सवार मुझे ऐसे दे दें जो कि कैसे हों मुजाहिद हों तो मैं उनको ट्रेन करूंगा और उनको लेकर जाकर क्या करूंगा रोम के ऊपर हमला करके रोमन्स पे हमला करके क्या करूंगा उसको फतेह कर लूंगा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी हिम्मत और जुरात की दाद देते हुए फरमाया जैद अल्लाह भला करे तुम कितने अजीम शख्स हो फिर हज़रत जैद रदील तनों की कयादत में इनके तमाम साथियों ने इस्लाम कबूल कर लिया यानी हजरत जैद रदील तुके साथ जो लोग आए थे वो सब के सब क्या हो गए मुसलमान हो गए उन सब ने इस्लाम कबूल कर लिया और आप सल अलाम को उनके औसाफ बहुत पसंद आया और उनकी बहादुरी बहुत पसंद आई यानी जैसे ही इस्लाम को कबूल किया और फॉरन से क्या किया मुजाहिद बनने की अः ख्वाहिश जाहिर की और कहा कि मुझे आप परमिशन दे दें आप मुझे अलाउ कर दें ताकि मैं क्या करूं रूम को फतेह करके आऊं जब हजरत जैद रदीला तू और इनके साथियों ने अपने वतन नजद वापस जाने का इरादा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलविदा करते हुए फरमाया ये शख्स कितना अजीम है इसकी कितनी शान होगी काश ये मदीना के वबा से महफूज रहे इन दिनों मदीना मुनवरा में मियादी बुखार की वबा फैली हुई थी हजरत जैद रदी तु को भी इस वबा ने दबोच लिया आपने अपने साथियों से कहा मुझे कैस के शहरों से दूर अलग रखना हमारे दरमियान जाहिलाना हिमाकतों के बिना पर जवान मर्दी और बहादुरी के मौके हुआ करते थे अल्लाह की कसम मैं मरते दम तक किसी मुसलमान से नहीं लड़ूंगा यानी अब वो क्या कहते हैं कि आ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जाने की इजाजत दे दी कि आप अपने शहर चले जाएं वापस और वो जब जा रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी की कि अल्लाह उनको क्या करे जो मदीने में वबा फैली हुई है बुखार की वो क्या रहे वो जैद के ऊपर ना आए वो बुखार में मुब्तला ना हो फिर हजरत जो जैद जैदुल खैल है वो क्या कहते हैं कि मैं ऐसे इलाकों से नहीं गुजरना पसंद करूंगा जिसमें मुसलमान रहते हों क्योंकि मुझे मुसलमानों से कोई लड़ाई नहीं करनी मरते दम तक मैं किसी मुसलमान पर कोई हाथ नहीं उठाऊंगा हजरत जैद रदी अल्लाह ने अपने वतन के तरफ तरफ सफर जारी रखा और हालत ये थी कि बुखार दिन बदिन तेज होता जा रहा था, था।, था। यानी उनको वबा ने पकड़ लिया उनके ऊपर वबा का सर हो गया इनकी दिली तमन्ना थी कि अपने कौम से मिले और उसे इस्लाम की दावत दें और पूरी कौम इनके जरिए से इस्लाम कबूल कर ले ये मौत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और मौत इनसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन मौत इनसे सबकत ले गई रास्ते में ही रूह कफस, कफस उनसरी से परवास कर गई इस्लाम और मौत में कोई ऐसा वक्फा ना मिला कि जिसमें ये किसी गुनाह का अरतक कर सके अल्लाह अकबर यहाँ इस्लाम कबूल किया यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से परमिशन ली है कि मैं जाऊं अपने कौम की तरफ नज की तरफ जाऊं अपने कबीले वालों में इस्लाम को इस्लाम की दावत दूं ताकि वो लोग भी इस्लाम को कबूल कर लें अब रास्ते के सफर में क्या हुआ वो जो वबा फैली हुई थी बुखार की वो उस बुक उस वबा में मुबतला हो गए और रास्ते ही में उनका क्या हो गया इंतकाल हो गया हजरत जैद रदीला तला की तफसीली हालात मालूम करने के लिए दर्ज झेल किताबों को पढ़ा जा सकता है अलाबतुलमत अल्तियाब अल अस्तियाब अल अगाली अगानी तहजीब इबन असाकिर समतुल लाती खजानतुल अदब बुल बगदादी जैलमुज ये कुछ किताबों के नाम है यानी, ला, ना यानी अल्लाह रबुल्जत ने जैसे ही इस्लाम से इनको इस्लाम की दौलत से नवाजा वैसे ही अपने सफर पर निकले कि हम अपने शहर को वापस हो जाए और कोई गुनाह का इरतकब होता कोई गुनाह करते इससे पहले क्या हो गई अल्लाह ने उनकी रूह का रूह को कब्ज कर लिया यानी गुनाह का मौका भी नहीं मिला था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी ही पाक सुथरी हालत में उनकी रूह को कब्ज कर लिया यानी इस्लाम कबूल करने के बाद क्या होता है कि इंसान के जो जाहिलियत दौरे जाहिलियत के जो गुनाह होते हैं वो अल्लाह इज़्ज़त माफ कर देते हैं जो कुफ्र के दौर दिया में गुनाह किए हुए होते हैं वो अल्लाह माफ फरमा देते हैं तो वो सारे गुनाह माफ़ होते ही क्या हो गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी रूह को अपनी तरफ बुला लिया और उनका रास्ते ही में इंतकाल हो गया तो ये जो थी अजर जैदुल खैर रदी अला तू की छोटी सी जिंदगी का कुछ हिस्सा था जिसमें बताया गया कि वो कितने बहादुर थे उनके अखलाक के आला नमूने बयान किए गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसलम ने जो बात कही के ये शख्स इतना अजीम है अ, मतलब ये कितना अजीम शान वाला शख्स है कि इसके अंदर दो बेहतरीन खसलतें हैं बेहतरीन सिफते हैं बुर्दबारी और खुदारी ये जो दो सिफते हैं जिसको अल्लाह और अल्लाह का रसूल भी क्या करते हैं पसंद करते हैं अल्लाह सुबहान तला हम सबको भी खुददारी और बुरदबारी जैसी सिफतें जो अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को महबूब हैं हमें भी वो दो खसलतें पैदा कर दे अल्लाह सुबहाना हमें भी खुददार बना दे और और वो बुरदबारी अता कर दे कि हम जब मसाइब और परेशानी और अलम पड़े तो हम उस बुरदबारी का बुरदबारी से उन तमाम चीजों का सामना कर सकें بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآياتي وذكر الحكيم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين إن شاء الله هم क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं अपने हैंड रेस कर दीजिए